देवनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च मेला नियंत्रण भवन से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए नारसन बॉर्डर पहुंचा, जहां उत्तर प्रदेश के अधिकारी गण भी उपस्थित थे। नारसन बॉर्डर पर कांवड़ मेला को सकुशल संपन्न कराने हेतु अधिकारियों के बीच विस्तृत विचार विमर्श हुआ। SSP अजय सिंह ने फ्लैग मार्च निकालने पर कहा कि फ्लैग मार्च इसलिए निकाला गया है कि जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है उन जगहों पर लोगों को विश्वास बना रहे कि शासन प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा है। देखिए, दो खासकर देखते हैं 12-13-14 जो डाक कावड़ जो दूर से जाते हैं 36 घंटे 40 घंटे के टारगेट पर, एक्चुअली बात है जब एक समय में इतने ज्यादा वाहन का आवागमन होगा, चाहे आना और जाना हो, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं बन पाती है। लेकिन इस बार ये कोशिश करेगी कि 11 तारीख से जब डाक कावड़ का एग्जिट होगा यहाँ से, तो हाईवे के हम दोनों तरफ से एग्जिट चलाएंगे और जो हमारी कावड़ पटरी है उस पर हम अपने लोकल जो हमारे यहाँ के निवासी उनको हम प्रयोग करने के लिए उसको खाली रखेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।